तो जी हाँ छात्रों, आपके डिमांड पर यहाँ पर आपका आ चुका है क्लास, आपका ट्वेल्थ का। देखिए मेरे पास यहाँ पे आपके 14 अक्टूबर यानी आपके कल के हिंदी का पूरा पेपर आपका यहाँ पे एकदम, आपको बता दूं यहाँ पे पेपर आपको 101% आपका यहाँ पे असली मिलेगा। मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ में एक आपका वीडियो बनाया था जिसको आपको मैं समझाया था कि आपका वायरल पेपर आपको जहाँ पे हो रहा है उसी का प्रॉपर आंसर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आपको यहाँ पे A to Z क्वेश्चन आपको यहाँ पे रेडी करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे सेट आपका भी है और आपका यहाँ पे सेट आपका ए है, ठीक है। तो सेट ए में देखिए आपके यहाँ पे 500051 आपका इसका विषय कोड है। तो चलिए आपके यहाँ पे आपका पार्ट टू है और पार्ट टू में हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के पूरे आंसर बताने के बाद आपको क्वेश्चन 6 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके यहाँ पे सारे हो चुके हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आंसर मैंने आपको प्रॉपर आपको दे दिया है, आपने यहाँ पे कर भी लिया होगा। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका 6 आता है, देखिए कभी ने उर, देखिए कभी के आपके उर में कैसी आपका विहलता आपके यहाँ पे जन्म लेती है। आपको इसके पहले का आंसर मैंने दे ही दिया है, आप यदि नहीं देखे तो जाकर जल्दी आप यहाँ पे पार्ट वन आप देख लीजिए। चलिए आपको क्वेश्चन 6 का आंसर देते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका जो लिखा है आपका यहाँ पे उर, ठीक है। तो उर का मतलब आपका यहाँ पे हृदय होता है, तो मतलब आप कवि के हृदय पर कैसी विहलता जन्म लेती है इसका आंसर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पे आप पहला वाला पार्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा, मैं जला हृदय की अग्नि में दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों मग्न में रहा करता हूँ, ठीक है। यानी मतलब क्या होगा, देखिए आपको आंसर यहाँ पे ये लिखना है, कवि कहता है कि अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ और इसलिए जीवन के आपके सुख और दुख दोनों ही क्षणों को आपको प्रेम के सहारे जीता हूँ। आपको आंसर, संसार सागर को पार करने के लिए मुझे लोग करते हैं किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर में मस्त भावनाओं में बहते रहता हूं। आप आंसर यहां से स्टार्ट करिएगा और आप यहां पे चाहो तो आप यहां तक लियो या फिर आप चाहो तो आप यहां तक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन, सपनों के संसार में कवि का क्या है। तो सपनों के संसार में, तो देखिए आपको आंसर लिखना है, कवि को संसार में इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, वह आपका बनावटी और झूठा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर हाय किसी की याद करता फिरता हूँ, ठीक है। आप आपका देखिए पहला चैप्टर आपका यहाँ पे है आपका आत्मसमर्पण, आपको उसी में आपका ये आपका लाइन दिया गया है आपका यहाँ पे, देखिए ये आपका लिखा है ना, यह है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार आपका लिए फिरता हूँ। और इसी का आपको यहाँ पे अर्थ आपको यहाँ पे आपको नीचे वाला लाइन पे आपको मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर आपको ये वाला करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सातवां, स्नेह सुरा से आपका क्या है, आपको इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो स्नेह सुरा क्या है, चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको आंसर लिखना है, इससे सुरा का तात्पर्य है प्रेम की मदिरा जो मुझे उन्मत्त बनाए रखती है और मैं प्रेम की मस्ती में झूमता रहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अथवा कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको इसी पर लिखना है। देखिए क्या लिखा है आपको यहाँ पे आंसर, आंसर लिखना है, कवि भावनाओं को प्रमुखता देता है, वह संसारिक बंधनों को नहीं मानता, वह वर्तमान संसार को उसकी शुष्कता और निरस्ता के कारण नापसंद करता है, बार बार वह अपनी कल्पना का संसार बनाता है तथा प्रेम में बाधक बनने पर उन्हें मिटा देता है, वह प्रेम को सम्मान देने वाले संसार की रचना करना चाहता है। और इसके बाद क्वेश्चन आठवां, रस की आपको परिभाषा देते हुए उसके आपके भेद लिखने हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए आपको रस की परिभाषा लिखने, देखिए आपको काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद की आपकी प्राप्ति, कविता कहानी उपन्यास नाटक आदि पढ़ने सुनने या देखने से पाठक को एक प्रकार का विलक्षण आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे। देखिए सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, किसी काव्य को पढ़ते सुनते और देखते तीन चीज कर सकते हैं, आपका पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। तो पढ़ते देखते और सुनते समय जो आपको आनंद यानी पाठक श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं आपका रस है। और रस के पूछा गया आपको यहाँ पे, इसका पूछा गया आपका देखिए उसके भेद, तो उसके आपके भाई साहब इसके आपके चार अंग होते हैं, कौन सा होते हैं देखिए आपको चार अंग, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभव और आपका विभाव, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए और अगर इसके बाद अलावा आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 10 आपके रस हैं, ठीक है, आपके 9 ये 10, ठीक है। 10 रस के नाम, श्रृंगार का आपका रति हो गया, रौद का क्रोध, आपको यहाँ पे आप क्लास 9 से आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे से याद होगा, एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे इनके आप यहाँ पे स्थायी भाव रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए संचारी भाव की बात कर रहे हैं आपके, इसकी संख्या आपका 33 मानी जाती है, ठीक है, और इसे व्यवचारी भाव भी आपका कहा जाता है। और इसके बाद देखिए अनुभव, तो अनुभव आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं, ठीक है, आप इसे देख लीजिए। इसके बाद आपका विभाव, स्थायी भाव कारण को विभाव कहते हैं, आप इसे याद कर लीजिए। और विभाव के दो भेद, आलंबन और आपका एक होता है आपका उद्दीपन, ठीक है, आश्रय और विषय इसके आपके प्रकार होते हैं और दूसरा होता है आपके यहाँ पे उद्दीपन, आप इसे अच्छे याद कर लीजिए। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्थायी भाव और आपके यहाँ पे
संचारी भाव में आपको अंतर पूछा गया है, आप इसे भी एक नजर में पढ़ सकते हैं। आपके वार्षिक के लिए आपके यहाँ पे क्वेश्चन बेरी आपका मोस्ट आईएमपी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीजें और पढ़ना है, जैसे आपको यहाँ पे श्रृंगार रस क्या है आपको इसको पढ़ लीजिए, और आपका इसका एक आप उदाहरण देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं संयोग श्रृंगार और आपके यहाँ पे आपका क्या होता है आपके यहाँ पे वियोग आपका श्रृंगार होता है, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पे पेपर में आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे हास्य रस का मिल जाएगा, और हास्य रस के अलावा आपके यहाँ पे रौद्र रस का, और रौद्र के बाद आपको यहाँ पे इसका आपको उदाहरण सही देखिए भयानक रस का यह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हास्य रस क्या है, इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे ना तपेदिक होती है, आराम सुधा की एक बूंद तल का दुबलापन खोता है, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ मेरे अनुभव में काम करो, ठीक है। आपको देखिए रोध का होता है आपका क्रोध होता है, तो आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसका लिखा गया है, इसके बाद आपको यहाँ पे भयानक यानी आपको यहाँ पे आपका भय होता है, वीर का उत्साह देख लीजिए, बुंदेले और हरबोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन अद्भुत रस का, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता बड़ जोगी। और आपका यहाँ पे देखिए करुण रस का, अभी तो मुकुट बना था मात, कल ही हुए हल्दी के हाथ, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, आपको ये भी आपको याद कर लेना है। शांत रस का देखिए आपको यहाँ पे सुनमत मूर सिखावन मेरी, हरिमक विमुख लहो ना कोई, देखिए शांत का चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बजा रखो, आप इसे भी याद कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है आपका अगला क्वेश्चन देखिए विभाव और अनुभव में अंतर, तो ये क्वेश्चन आपको अभी में था, आपको यही क्वेश्चन तो आ गया है, देखिए आपके यहाँ पे विभाव और आपका अनुभव में अंतर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, स्थायी भाव करण आपको विभाव कहा जाता है, तथा स्थायी भाव के हाव भाव या क्रिया के रूप को प्रदर्शित होने वाले स्थितियों को अनुभव कहते हैं, रस का प्रधान कारण आपका विभाव है, अनुभव गौण कहलाता है, और विभाव वर्णन भाव प्रधान है जबकि अनुभव क्रिया प्रधान है, नायक नायिका के हाव भाव प्रदर्शन की क्रिया को अनुभव कहते हैं जबकि विभाव का अनुगम अनुभव कहलाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपका 9 नंबर महाकाव्य और आपको यहाँ पे खंड काव्य में आपको अंतर याद करना है, तो देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है। देखिए आपका महाकाव्य होता क्या है, महाकाव्य होता है आपके इसमें देखिए जो कोई आपको यहाँ पे होता है, जैसे आपकी बात करें राम की बात करें, तो किसी व्यक्ति के जीवन का जन्म से लेकर आपका मृत्यु तक का पूरा आपको यहाँ पे वर्णन किया जाता है, आपको यहाँ पे अच्छे से याद करना है, ठीक है। और खंड काव्य में क्या होता है, खंड काव्य में आपका किसी एक अंश का वर्णन होता है, मतलब देखिए आपको यहाँ पे जैसे आपका सुदामा गए थे कृष्ण के आपको यहाँ पे पहली बार आपसे उनसे मिलने गए थे, है ना, तो आप वहाँ पे जब वो मथुरा में थे तो कैसे उनका मिलन हुआ, वृंदावन में थे तो कैसे आपको मिलने गए थे, तो उसका आपको यहाँ पे करुण रस का आपको यहाँ पे एक ही भाव दिखाया जाता है। लेकिन अगर रामायण देखिए महाभारत पूरा देखिए तो देखिए आपके उसका जन्म भी होता है राम जी का और आपका मृत्यु भी होता है, यानी आपका महाभारत यानी रामचरितमानस आपका एक महाकाव्य है और आपका यहाँ पे खंडकाव्य आपका सुदामा चरित हो गया, ठीक है, पंचवटी हो गया, आपके ये क्या है आपके यहाँ पे आपके खंडकाव्य कहलाते हैं। आंसर लिख दीजिए, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है जबकि खंड काव्य में इसमें आपका आंशिक होता है, ठीक है, और महाकाव्य का आकार बड़ा होता है लेकिन खंड काव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में समग्र युग जीवन का चित्र यानी कि आपका समग्र जन्म से लेकर मृत्यु तक का आपका यहाँ पे चित्रण होता है और परंतु खंड काव्य में किसी एक अंश का वर्णन होता है। महाकाव्य में उदात्त शिल्प होता है जबकि परंतु खंड काव्य में उदात्त अनिवार्य नहीं है, ठीक है। आपको देखिए इसके बाद आपको यहाँ पे आगे और दिया है क्या, नहीं दिया है, आपको इतना याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन दोहा और आपको सोरठा में आपको अंतर लिखना है। देखिए क्वेश्चन अब देखिए यदि आपको पूछा गया दोहा और सोरठा में अंतर तो आपको इससे अपने से बनाना पड़ेगा। देखिए दोहा हम जानते हैं आपके यहाँ पे प्रथम और तृतीय में क्या होता है, देखिए दोहा आपका अर्धसम मात्र छंद है आप जानते हैं ना, लेकिन सोरठा कम नहीं जानते हैं, तो सोरठा में क्या होता है देखिए इसमें आपके प्रथम और तृतीय में देखिए आपके यहाँ पे प्रथम और तृतीय यानी पहले और तीसरे में आपके 13 मात्राएं होती है, लेकिन आपका सोरठा में क्या होता है आपको लिखना पड़ेगा प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट आपका एक साइड दोहा और एक साइड आपको यहाँ पे सोरठा लिखना है, आपको एक साइड लिखना है इसके प्रथम और तीसरे में 13 मात्राएं होती है और सोरठा वाला लाइन लिखना है आपको यहाँ पे इसमें आपका प्रथम और तीसरे में 11 मात्राएं होती है, इसमें दूसरे और चौथे में आपके 13 मात्राएं होती है, लेकिन आपका सोरठा में यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको 13 मात्राएं होती है। और आपको इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर लिख देना है, ये आपका अर्धसमात्रिक छंद है आपका, वो क्या है आपका वो है वो भी आपको यहाँ पे अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है, आपको आंसर लिखने और एक एक आपको यहाँ पे उदाहरण लिख दीजिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे चौपाई भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये भी आपका सममात्रिक छंद है आपके, इसमें 16 मात्राएं होती है और अंत में 2 गुरु लघु होता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा चौपाई। देखिए मंगल भवन आ मंगल हारी
द्रबो सुदस्य रतया जारे बिहारी, ये आपका जो यहाँ पे आपका कीर्तन भजन में आपका गाया जाता है, ये आपका इसी का उदाहरण है, चौपाई का, ठीक है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबो सुदस्य आपका अजर बिहारी, आपका रामचरित से आपका लिया गया है। और इसके बाद आप रोला भी याद कर लीजिएगा। देखिए रोला क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका देखिए क्या मिलकर बनता है, आपका यहाँ पे जो है रोला बनता है आपका चार चरणों पर, आपका मातृक समसंग्रह, और आपका ये देखिए दोहा, आपका क्या है दोहा, आपका यहाँ पे दोहा से मिलकर आपको बनता है, ठीक है, दोहा मिला लेता है और इसके बाद आपको यहाँ पे बन जाता है। इसे देखिए इसमें आपके टोटल आपके यहाँ पे आप इससे इसका याद कर लीजिएगा। इसके बाद उल्लाला देखिए, उल्लाला में आपके इसमें 28 मात्रा होती है और आपका यहाँ पे 15 और 13 पर्यति होता है। करते आपसे एक प्रयोग है, बलिहारी इस बेस की हे मातृभूमि तू सत्य सगुण मूर्ति सर्वेश की, आप इसी याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा गीत का क्या होता है, गीत का में 14-12 पर यानी 26 मात्राएं होती है, आपको इसे याद कर लेना है। और इसके बाद हरी गीत का देखिए, आपको इसके अलावा ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद करने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 10वां, भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा देहाती कैसे हो गई, ठीक है। तो चलिए आपको आंसर लिखना है, भक्तिन तो देहाती थी पर उसके आ जाने पर महादेवी अधिक देहाती हो गई, उसे शहर की हवा नहीं लग पाई और उसने महादेवी को भी आपका देहाती खाने की विशेषताएं बता बताकर उसे खाने की आदत डाल दी। और वह बताते हैं कि मकई का रात को आपको बना दलिया सवेरे मट्ठे के साथ सौंधा लगता है, बाजार के तिल लगाकर बनाए हुए बहुत अच्छे लगते हैं, ज्वार की आपके भुने भुट्टे हरे दाने खिचड़ी आपका स्वादिष्ट लगती है, उसके अनुसार सफेद मुहूर्त लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है, भक्तिन ने लेखक को अपने देहाती भाषा में सिखा दी और इस प्रकार महादेवी भी आपका यहाँ पे देहाती बन गई। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है आपका बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। चलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको दिखा देते हैं, आपको आंसर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बाजार का जादू चढ़ने पर मन से अधिक आपके चीजें खरीदने चाहता है, तब व्यक्ति को लगता है कि बाजार में बहुत आपका कुछ है और उसके पास बहुत कम चीजें हैं। बाजार का जादू व्यक्ति के सिर चढ़कर बोलता है, वह कहता है कि आओ मुझे लूटो लूटी और लूटी, है ना। बाजार का जादू मनुष्य के विकल बना देता है और उसके पास जितना पैसा होता है चीजें खरीदता चला जाता है, उसकी समझ में नहीं आता कि आ क्या ले और क्या छोड़े। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 11वां, काले मेघ पानी देश से आपका लेखक का क्या तात्पर्य है। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका बताते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, आपको यहाँ पे देखिए, काले मेघ से पानी दे एक सार्थक संस्मरण है, इसमें लेखक के लोक प्रसिद्ध विश्वास विज्ञान और द्वंद का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क होता है, विश्वास का अपना सामर्थ्य होता है, लेखक जहां तर्क के आधार पर सब कुछ सिद्ध करना चाहता है वहां दीदी के विश्वास के आपके सामने वह निरुत्तर हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है इसका आपका, अथवा लुट्टन का बचपन कैसा गुजरा, आपको आंसर यहाँ पे आपको ये दिखना है, ठीक है। पूरा आंसर आपको लिखा गया है, लुट्टन जब 9 वर्ष का था तभी उसके माता पिता उसे अनाथ बनाकर चले गए थे, तब तक उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का करता विधवा सास से पाल पोस कर बड़ा किया। और बचपन में क्या है, देखिए वह गाय चराता, धारोड़ से दूध पीता और कसरत किया करता था, गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह के तकलीफ दिया करते थे, लुट्टन के सिर पर कसरत की आपके धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई, नियमित कसरत को किशोरावस्था में उसके सीने और बाहों में सुडौल मांसल बना दिया, जवानों में कदम रखते हुए गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा, लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भली भांति आपका चलने लगा, वह कुश्ती में भी आपका लड़ता था। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन आपका 12वां यहाँ पे दिया है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं आपका, अथवा आंसर मुहावरा क्या है, ठीक है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं, सबसे पहले राष्ट्रभाषा, देखिए राष्ट्रभाषा आपका राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार और आपका विभिन्न राज्यों पर आपका द्वारा अपनाई गई आपको समृद्ध भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और मुहावरा क्या है, देखिए ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे कहते हैं आपका मुहावरा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, हमने आपको क्वेश्चन 12 तक के आंसर हमने आपको दे दिया, क्वेश्चन 12 और 11वां दे दिया और 10वां दे दिया, इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन, 8वां और 7वां और 6वां यहाँ पे आपको हमने आपको अथवा सहित A to Z क्वेश्चन आपको बता दिए। अगले पार्ट में क्वेश्चन देखिए आपको हम आपका 13वां 14वां 15वां इस बार 16वां 17वां 18वां 19वां और आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां है ना, आपको इसके बाद आपको 21वां आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन आ गए आपके 20वां 21वां 22वां सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे आपको यहाँ पे आपको देंगे। तो आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें वीडियो को दिल से लाइक करिए, अगले पार्ट का वेट करिए, जल्दी आपको यहाँ पे आपको तीसरा पार्ट मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत। अब तुम गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है, बाय। वो है